उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देश में सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय के नेतृत्व में एसएचओ हरैया राणा देवेंद्र प्रताप सिंह का सराहनीय कार्य। एसएचओ हरैया राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने गुमशुदा बालक को महज चंद घंटों में परिजनों को सौंपा। एसएचओ हरैया राणा देवेंद्र प्रताप ने पुलिस टीम के साथ गुमशुदा बालक को लक्ष्मण घाट अयोध्या से बरामद किया। एसएचओ हरैया राणा देवेंद्र प्रताप ने गायब बालक की मां उर्मिला देवी द्वारा हरैया पुलिस को दिया गया था अपने गायब बच्चे की सूचना। एसएचओ हरैया राणा देवेंद्र प्रताप ने सूचना मिलते ही गठित 5 टीमों ने तत्काल गायब बच्चे की खोजबीन शुरू की। एसएचओ हरैया राणा देवेंद्र प्रताप की त्वरित कार्यवाही रंग लाई, बालक को चंद घंटों में बरामद किया गया। कल 15 जुलाई को उर्मिला गौड़, जो कि मझौवा बाबू की रहने वाली है, उन्होंने शाम को 8 बजे के आसपास थाना हरैया पर आकर ये बताया कि उनका लड़का अंकुर गौड़, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, वह कल प्रातः 8 बजे अपने घर से आम तोड़ने के लिए कहकर गया था और रात्रि 8 बजे तक नहीं लौटा। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक हरैया राणा देवेंद्र सिंह मुझसे बात किए और तत्काल 5 टीमें बनाई और जो भी आसपास मिलने के स्थान थे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और यहाँ तक कि बस्ती भी टीम लगाई गई हमारी, और उसी क्रम में एक टीम अयोध्या रवाना की गई, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जलाभिषेक करने के लिए जल लेने अयोध्या चला गया हो। और उसी क्रम में जिस टीम का नेतृत्व राणा देवेंद्र सिंह एसएचओ हरैया स्वयं कर रहे थे, उनके द्वारा अयोध्या से बच्चे को, अंकुर गौड़ को, रिकवर किया गया और सकुशल लाकर उसकी माँ श्रीमती उर्मिला गौड़ को सुपुर्द किया गया। और इस प्रकार क्विक रिएक्शन से, क्विक रिस्पांस से एक बहुत ही अच्छी घटना तुरंत रिकवर हो गई और इसकी प्रशंसा उसकी माँ और उसके अन्य परिजन जो कि रिश्तेदार हैं पुलिस के, इस कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। एक प्रकार का बहुत ही अच्छा गुड वर्क है जो कि त्वरित कार्रवाई करने के कारण बच्चा सकुशल हम लोगों को मिल गया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।